बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ और ढेर सारी दुआएं रही है हमेशा अल्लाह के अमान में। जी फ्रेंड्स, आपको ब्यूटीफुल करने के लिए तो रेमेडीज बताती रहती हूँ, आपके हेयर से रेलिवेंट, आपके स्किन, आपके डार्क स्पॉट्स, आपका कॉम्प्लेक्शन और बहुत कुछ, और वेट लॉस। तो आज जी बात कर रही हूँ हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ, जिनका ख्याल रखना हम माओं पर जो है हमारी जिम्मेदारी है। हम खुद तो बहुत बर्न ठन के किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं और हमारी बच्चियों के अगर कॉम्प्लेक्शन जो है, उनकी स्किन ठीक नहीं है, उनका कॉम्प्लेक्शन डल है, तो वो भी हमें ही सुननी पड़ती है कि अपना तो इतना कुछ कर लेती हैं, बेटी का कोई ख्याल नहीं है। तो जी, छोटी बच्चियों का जो है हम उन पर कोई केमिकल नहीं लगा सकते और उनकी स्किन को इस तरह ट्रीट करना होता है कि उनकी बेबी स्किन ही रहे। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर अचानक से कहीं जो है हमें जाना पड़ता है तो इंस्टेंटली हम अपने बच्चियों की, छोटी बच्चियों की, जैसे 5 साल से 4 साल की बच्ची छोटी होती है, 5 साल से ऑनवर्ड 10 ईयर्स तक जो बच्चियां हैं उनकी स्किन को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, और ऐसी कौन सा जो है मेरे पास फार्मूला जिसको अप्लाई करने के बाद आप अपनी बच्चियों की स्किन को इंस्टेंटली गोरा गोरा कर सकते हो, सॉफ्ट कर सकते हो और फेयर बना सकते हो। और ये यकीन करें कि इतना इफेक्टिव है कि आपकी बच्चियों की स्किन पे एक जैसे स्किन पॉलिश के बाद या ब्लीच के बाद इफेक्ट होता है, ये वही इफेक्ट देने वाला है। यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरह के यूनिक वीडियोस देखना चाहते हैं। जी फ्रेंड्स, इस तरीके से जी आप अपनी बच्चियों के फेस पे अप्लाई करेंगी। किसी भी किस्म की जो है स्किन पे प्रॉब्लम है, जैसे डार्क हो गई है स्किन सन टैन की वजह से और अच्छे तरीके से जैसे केयर नहीं कर सकते हम बच्चियों की, स्कूल गोइंग बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, तो इस तरीके से अप्लाई करने के बाद जो है आपने इसको जस्ट 10 मिनट्स रखना है। 10 मिनट्स रखेंगे, उसके बाद जी आप इसको वॉश करेंगे। मैं इसको 10 मिनट्स रखने के बाद आपके सामने जो है इसको रिमूव करूँगी और आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। जी फ्रेंड्स, आफ्टर 10 मिनट्स आपने इसको करना है जी रिमूव। वाओ, जबरदस्त, और रिजल्ट है जी आपके सामने, आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन रिजल्ट्स हैं बहुत कमाल। स्किन बहुत नीट, सॉफ्ट और कॉम्प्लेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको फील हो रहा होगा, और जब आप खुद यूज करोगे तो आप डिफरेंस जो है अच्छे तरीके से फील करोगे। उम्मीद कर रही हूँ जी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए जल्दी से और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरह की यूनिक वीडियोस देखना चाहते हैं। और जी अब देखिए कि ये जबरदस्त जो है फेस पैक जो इंस्टेंट छोटी बच्चियों को इंस्टेंटली गोरा करने का ये किस तरह बनाया है जी, उसको बनाने के लिए यहाँ पे बोल ले रही हूँ जी। और बहुत ज़बरदस्त जो है चीज़ है मेरे पास, वो क्योंकि बेबी स्किन है तो हम बेबी पाउडर यूज़ करें, और बेबी पाउडर को आप स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ होता देख के बहुत हैरान हो रहे होंगे कि ये हम जो है बेबीज़ जब पैदा होते हैं उस वक्त जो है ये या गिफ्ट किया जाता है पाउडर या ख़ुद परचेज करते हैं तो उन बेबीज़ के लिए होता है, तो ये बाद में जो है हम इस तरह यूज़ नहीं करते। लेकिन इसको मैं इस रेमेडी में आपकी बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियों को जो है स्किन ज़बरदस्त करने के लिए और उनके रंगत को गोरा करने के लिए और उनकी स्किन पे जो सन एक्सपोजर की वजह से सन टैन हो जाता है या जो स्कूल गोइंग छोटी बच्चियां होती हैं वो अपनी स्किन का ख्याल ज़ाहिर नहीं रख सकती, और हम भी उनकी स्किन का जो है डेली इस तरह सा ख्याल नहीं रख सकते क्योंकि वो स्कूल गोइंग होती हैं, वापस आना, ट्यूशन जाना, कुरान पाक पढ़ना, इस तरह। तो जो है ये वाला पैक अगर आप यूज़ करते हो, ये पाउडर उस रेमेडी में यूज़ करते हो, तो आपकी बेबी की स्किन जो है वो बेबी स्किन हो जाएगी। तो यूज़ की कैसे करना है जी, इसका यहाँ पे क्वांटिटी लेनी है, 1 टीस्पून ले लें क्योंकि एक फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। ये उसके बाद जी इसमें ऐड करना है, ये माय फेवरेट है डव सोप, ये मैं हर जो है रेमेडी में ये मुझे इसलिए पसंद है कि इससे स्किन भी बहुत सॉफ्ट होती है और कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इसको मैंने क्रश कर लिया है और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून जितना। इसको जी मिक्स कर लेते हैं
और आप देख सकते हो कि ये जो है इसमें कोई केमिकल नहीं है और इतनी ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी छोटी बच्चियों की स्किन को भी बहुत ज़बरदस्त करेंगे, उनको कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जी मिल्क, लैक्टिक एसिड, स्किन को निखारना और जी स्किन के तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, और हमारी बच्चियों की प्रॉब्लम है जी सन टैन की या डार्क कॉम्प्लेक्शन किसी भी वजह से, डर्ट की वजह से, डस्ट की वजह से, तो इसको थोड़ा सा जी ऐड करके हम मिक्स कर लेते हैं और इसका एडिशन मजीद हम कर लेंगे। पहले देख लें कि कंसिस्टेंसी जो है ऐसी होनी चाहिए कि फेस पे आराम से इसकी एप्लीकेशन हो जाए। और जो है मिल्क इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि जो सोप है वो जब इसमें डाइल्यूट होता है, मेल्ट होता है, तो वो थोड़ा जो है ठीक हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मिल्क ज़्यादा ऐड करके हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि जो सोप है अच्छे तरीके से डाइल्यूट हो जाए। वैसे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है क्रश किया हुआ है, बहुत बारीक, तो बहुत अच्छा डाइल्यूट हो गया है और ये ऐसा पेस्ट बन गया है कि ये हम आराम से जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये यकीन करें कि इतना इफेक्टिव है कि आपकी बच्चियों की स्किन पे एक जैसे स्किन पॉलिश के बाद या ब्लीच के बाद इफेक्ट होता है, ये वही इफेक्ट देने वाला है। यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरह के यूनिक वीडियोस देखना चाहते हैं।